Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. इस पर मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को, भारत सरकार को और पूरे देश की जनता को और सभी मौलवी धर्मगुरुओं को, सबको मैं आदर सम्मान के साथ अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो सत्य की विजय पर ये फैसला आया है, ये सभी कोई जानते थे कि भगवान राजा रामचंद्र जी का अयोध्या के राजा थे, अयोध्या में जन्म हुआ था, राम जन्मभूमि इसी भूमि पर जन्म हुआ था, ये हर व्यक्ति को पता था। और उलझाने वाले केवल ये 400 साल तक उलझाते रहे और भगवान रामचंद्र जी स्वतः आकर के इस फैसला का निराकरण कराया। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस मुद्दे पर, इस महान मुकदमे पर मुझको भी अपना हस्तक्षेप करने का या सहभागिता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जमीन मिली है, हाँ, तो उसमें अब आप क्या करना चाह रहे हैं? जैसे आपने अभी बोला कि सरकार अगर पैसा देगी जब भी कुछ होगा। पैसा देगी पहले, या तो सरकार पैसा देगी या हमारे 18 करोड़ छत्री हैं, हम खुद मरेंगे उसमें, अगर इकट्ठा करेंगे। सरकार क्यों नहीं देगी? सरकार दूसरी चीज में तो देगी। क्या इस चीज का भी दावा करेंगे आप? क्यों नहीं दावा करेंगे? सरकार काहे के लिए है? सरकार को हम टैक्स नहीं देते क्या? सरकार हमारी प्रॉपर्टी ले लिया, सारी रियासत ले लिया, तो हमारे पूर्वज के नाम से पैसा भी नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? ट्रस्ट बनाएगी सरकार, भारत सरकार ट्रस्ट बनाए, छत्री समाज के नेतृत्व में बनेगा, उनके वंशजों के नेतृत्व में बनेगा, और हम उसमें राजमहल बनाएंगे, हम उसमें मंदिर बनाएंगे, हम उसमें पूजा स्थल बनाएंगे, हम उसमें कौशल्या का महल बनाएंगे, हम उसमें केकई का कमरा बनाएंगे, हम उसमें हनुमान जी कहाँ रहते थे, अभी हनुमानगढ़ी तो है लेकिन जहाँ बैठते थे सभी के कई, सुमित्रा जो भी सबके महल, सीता कहाँ बैठती थी, कहाँ था उनका रसोई घर क्या था, पूरा उसका ब्यौरा बनाएंगे, राज दरबार बनाएंगे। यानी कि अयोध्या दोबारा तैयार हो जाएगा? अयोध्या दोबारा तैयार है, अयोध्या कहीं गया नहीं है, वो भूमि पवित्र भूमि है और वो कहीं गई नहीं है, अयोध्या हमारी है, हमारे पूर्वजों की जन्मस्थली है। भारतीय जो क्षत्रिय महासभा है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो जैसे राम जन्मभूमि पे विवाद का आज फैसला आया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन पांचों जजों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने 400 साल से चल रहे केस को आज अंतिम रूप दिया। मैं उन्हें सलाम करती हूँ और अपने देशवासियों को, अपने पूरे क्षत्रिय भारतवर्ष के क्षत्रियों के तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये थी कि आज इतने शांतिपूर्वक रूप से फैसला को जो हमारे देशवासियों ने मतलब स्वीकार किया, ये हमारे लिए धन्य मतलब सौभाग्य की बात है। और वो जजों ने जो फैसला लिया वो भी हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि जो जिन्होंने दोनों वर्गों को देखते हुए ये निर्णय सुनाया, उन्हें मैं तो बार बार उनको सलाम करना चाहूँगी। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं शक्ति सिंह चंदेल हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ एवं विश्व क्षत्रिय अखाड़े का अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, जैसे जो हम कहें कि राम मंदिर जमीन के ऊपर विवाद चल रहा था, सबसे पहले हम उस पर पूछेंगे जो फैसला आया, तो उस फैसले पे आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सबसे पहले तो जो फैसला आया है 400 वर्षों पूर्व से जितने लोगों ने इसमें बलिदान दिया है उनकी आत्मा आज संतुष्ट हुई,
जो बलिदान देने वाले लोग हैं, जिनके परिवार के लोग हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, और धन्यवाद पूरे विश्व में रह रहे उन लोगों के जिनके हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धा भाव है, और देश के प्रति जनता के साथ साथ सभी समुदाय, सभी जाति, सभी वर्गों को भी धन्यवाद देता हूँ जो आज देश के इतने बड़े फैसले में हमारे साथ में हो और एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। यह पूरे विश्व के लिए जानने और देखने योग्य बात है। सब और इन सबसे सबसे महत्वपूर्ण तो क्षत्रिय कुलभूषण, क्षत्रिय राजा रामचंद्र जी के वंशज राजा राजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसके कारण कोर्ट को बड़ा सहारा और आसानी लगी इस फैसले को करने में। ये एक बहुत राज की बात है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हुई, मीडिया ने ज़्यादा कवरेज नहीं कर पाया उस चीज़ का, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो हलफनामा प्रस्तुत किया है माननीय राजा राजेंद्र सिंह जी ने किया है, और जो भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, अर्थात जिस प्रकार हम भगवान श्री रामचंद्र जी को मूर्ति के रूप में स्वीकारते हैं, आस्था के रूप में स्वीकारते हैं, तो यह जीवंत उदाहरण है जो साक्षात उस भगवान के अंश हमारे सामने मौजूद हैं। इनके हलफनामा प्रस्तुत करने के साथ ही उन सरस्वती रूपी कागजों में जो सत्य का फैसला आया वह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। क्या नाम आपका? जी, मैं अर्चना सिंह हूँ और अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, और मैं राजा रामचंद्र जी की जय बोलती हूँ। तो जो फैसला आया उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी फैसला आया है, जो हमारे माननीय महोदय जज महोदय जी ने किया है, जो पंच महोदय द्वारा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है और हम सभी बहुत संतुष्ट हैं उस फैसले से, क्योंकि ये मतलब निष्पक्ष हुआ है। जो भी फैसला हुआ है, हमारी जनता और हमारे जो भी भारतवर्ष है, जो भी क्या हम भारतवर्षियों के लिए सबके लिए हमारे हितों में आया है। देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगी, जिस तरह से हमारे यहाँ सूझबूझ से जो फैसला किया गया, उसी प्रकार मतलब एकता से और अपना शांति बनाते हुए इसको स्वीकार किया जाए, और देश में मतलब किसी प्रकार का कोई अशांतिपूर्ण ये ना फैलाते हुए इसे एकदम सारदय स्वीकार करें सब लोग। मैं प्रदेश की कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा की। आज जो राम मंदिर का फैसला आया है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं उन जजों को जिन्होंने फैसला दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और कि ये दोनों पक्षों को समानता दृष्टि से देखते हुए, और ताकि सभी लोग इससे संतुष्ट रहें, और हमारे क्षत्रिय सभा भी इस फैसले से बहुत संतुष्ट है, और सभी लोग भी इस फैसले से संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि फैसला बहुत अच्छा है। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।